हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन का सेवंथ चैप्टर आई एम लाइक ग्रास का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, और आपका जो नाइन्थ क्लास का जो बुक है उसका नाम पेनोरमा पार्ट वन है, और पेनोरमा पार्ट टू आपको क्लास टेंथ में पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस कविता को शुरू करें। सबसे पहले हम लोग इसके कवि पास के बारे में, उसके जीवन विवरणी के बारे में संक्षिप्त रूप से इन शॉर्ट कुछ जानकारियां हासिल कर लें, ताकि मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो। तो हम इसे या इनके बारे में 8 पॉइंट्स के द्वारा इन शॉर्ट समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है, पास बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1950 was a major revolutionary Punjabi poet who was killed by Khalistani extremists on March 23, 1988 because he spoke against them. पास साहब का जन्म, ठीक है, वह हुआ था आपका 1950 ईस्वी को, और 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर 1950 को हुआ था। ठीक है, 9 सितंबर 1950 ईस्वी को हुआ था, क्लियर। अब वाज अ मेजर रिवॉल्यूशनरी पंजाबी पोइट, वह एक प्रमुख क्रांतिकारी पंजाबी कवि थे। ठीक है, मेजर मतलब प्रमुख, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, पंजाबी मीन्स पंजाब में रहने वाले, पोइट कवि। ठीक है, हु वाज किल्ड बाय खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है, और उसे मार दिया गया, पास साहब को मार दिया गया, एसेसिनेट कर दिया गया। किसके द्वारा? तो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स के द्वारा, मिलिटेंट्स के द्वारा, टेररिस्ट्स के द्वारा। ओके, अब कब मारे गए? ऑन March 23, 1988, इन 23 मार्च 1988 को। अब देखिए, रीज़न था बिकॉज ही स्पोक अगेंस्ट देम, क्योंकि पास खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट में आवाज़ उठाएं, लोगों के दबे हुए आवाज़ों को उठाएं, जनताओं को या जनताओं में जागरूकता लाएं ऑपरेशन के खिलाफ, ठीक है, सप्रेशन के खिलाफ। तो यह मेरा रहा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पास ए स्यूडोनिम ऑफ अवतार सिंह संधु वाज बोर्न इन मिडिल क्लास पीजेंट फैमिली इन बिलीस तालवंडी स्लेम डिस्ट्रिक्ट जालंधर पंजाब। पास साहब, जो पास है, पास वह एक स्यूडोनिम है, एक निक नेम है, किसका? तो अवतार सिंह संधु का, यानी अवतार सिंह संधु यह ओरिजिनल नाम है। ठीक है, और बाद में वह अपना टाइटल पास चयन किए। ठीक है, वाज बोर्न इन मिडिल क्लास, और इनका जन्म हाईफाई परिवार में नहीं बल्कि मिडिल क्लास में हुआ था, पीजेंट फैमिली से रिलेटेड था, मतलब फार्मर्स के परिवार से संबंध रखते थे। और इनका जन्म देखिए तालवंडी स्लेम विलेज में हुआ था, और डिस्ट्रिक्ट का नाम जालंधर था, जो पंजाब में पड़ता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ही इज वन ऑफ द मेजर पोइट्स ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। यहाँ पर देखिए, ठीक है, वह अर्थात पास साहब पंजाबी लिटरेचर के नक्सलाइट मूवमेंट के कवि, प्रमुख कवि थे। ठीक है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कि नक्सलाइट मूवमेंट से इसका रिलेशन था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर है, हिज पोएटिक वर्क्स आर एज फॉलोज, उनके काव्य कृतियों को निम्नवत लिखे हैं, देखिए या निम्नवत है। पहला लोह कथा, जिसका इंग्लिश होता है आयरन टेल, पब्लिकेशन हुआ था 1970 को, यह तो धूम समचा दिया था, ठीक है। इनमें जो भी कविताएं हैं वह लोगों के मरे हुए जिज्ञासा को भी जागृत कर दें, ऐसी कविताएं इनमें संकलित था। उसके बाद उड़दे बाजन महर, जिसका इंग्लिश होता है फॉलोइंग द फ्लाइंग हॉक्स, और इसका पब्लिकेशन 1973 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद शाडे शमियन विच, इसका इंग्लिश होता है इन आवर टाइम्स, जिसका पब्लिकेशन 1978 में हुआ था। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क खिलड़े होई वार के, जिसका इंग्लिश मतलब होता है स्केटर्ड पेजेस, पोस्थ्यूमसली 1989। अब देखिए ये जो खिलड़े होई वर के है, यह वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, और इसका पब्लिकेशन 1989 में हुआ था, मृत्यु के उपरांत, पोस्थ्यूमसली मतलब क्या होता है, मृत्यु के उपरांत, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिफ्थ पॉइंट पर चलते हैं, द पोम्स लाइक आई एम लाइक ग्रास द मोस्ट डेंजरस थिंग इन खिलड़े होई वार के आर मोस्ट रिवेलियस पोम्स, ठीक है, मोस्ट रिवेलियस पोम्स। अब ये दो कविताएं आई एम लाइक ग्रास और द मोस्ट डेंजरस थिंग, यह सचमुच बहुत ही खतरनाक साबित हुए, और ये दोनों कविताओं के चलते आज वर्ल्ड वाइड जो है प्रोस्पेरिटी रिपुटेशन के क्षेत्र में हासिल किए, ठीक है। और जो इनका वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है खिलड़े होई वार के, इस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स में इन दोनों कविताओं का संकलन है, ठीक है, और ये दोनों कविताएं बहुत ही रिबेलियस टाइप के थे, रिबेलियस टाइप के मतलब विद्रोही टाइप के, इनमें ऐसा आवाज़ है जिससे लोगों में क्रांतिकारी विचार धारणाएं तुरंत एटवंस जागृत हो सकता है, ठीक है। आई एम लाइक ग्रास और द मोस्ट डेंजरस थिंग। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, आप लोह आप जो देख रहे हैं यह लोह कथा, ठीक है, उसके बाद खिलड़े होई वार के, उसके बाद साढ़े समयान विच, उसके बाद आपका उड़दे महर, ये सारे कलेक्शंस ऑफ पोम्स है, ठीक है ना, ये सारे वॉल्यूम्स हैं वर्सेस का। उसके बाद हम लोग सिक्स्थ पॉइंट पर चलते हैं, ही वॉज नोन फॉर हिज स्केथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ ऑपरेशन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म फैनेटिसिज्म फ्यूडलिज्म लैंडलॉर्डिज्म अनएथिकल इंडस्ट्रियलिस्ट करप्ट लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस एंड सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी। अब इनके काव्य रचनाओं में एक प्रोटेस्ट की भावना देखने को मिलेगा, ये ऑपरेशन के खिलाफ मतलब दमन के खिलाफ, अत्याचार टैरनी के खिलाफ, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के खिलाफ मतलब धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, रिलीजियस फैनेटिसिज्म धार्मिक हठधर्मिता या उन्माद के खिलाफ,
फ्यूडलिज्म, सामंतवादी प्रथा के खिलाफ, लैंडलॉर्डिज्म, जमींदारी प्रथा के खिलाफ, अनएथिकल इंडस्ट्रियलिस्ट और नैतिक उद्योगपतियों के खिलाफ, करप्ट लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस, भ्रष्ट नेताओं और राजनीतिज्ञों के खिलाफ, एंड सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी और राष्ट्र को छिन्न भिन्न करने वाले आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। उनके प्रति क्रांतिकारी भावनाओं से लोगों के दिलों में एक स्वतंत्र भाव पैदा किए, खड़ा स्टैंड होने का एक तरकीब दिए, ठीक है, जिससे लोग अभी प्रेरित होकर अपने राइट्स को पहचाने और अपना जीवन स्तर सुधारें, जो मोड ऑफ लिविंग था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वे सुधारें। और वही चूंकि शांति का द्वार के रूप में था, तो अब ये हो गया आपका क्लियर। यानी इन जो सारे फैक्टर्स की मैंने बात किया, ऑपरेशंस, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एट्सेट्रा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इन सारे फैक्टर्स पर कभी पास साहब स्केथिंग क्रिटिसिज्म किए, यानी स्केथिंगली, आउटस्टैंडिंगली क्रिटिसाइज किए, डिप्रिसिएट किए, ठीक है ना। और इन सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट में जाकर अपने नाम को, अपने राज्य व राष्ट्र के गर्व को सुरक्षित रखें। समझ में आ गया। अब सेवंथ नंबर पॉइंट पर चलते हैं। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बर्टोल्ट ब्रेक्ट, ए जर्मन पोइट, लियोन ट्रॉटस्की, ए रशियन रिवॉल्यूशनरी, मैक्सिम गॉर्की, ए रशियन राइटर, ओसो ए मिस्टिक, एंड हिज पोएट्री हैज बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ पाब्लो नेरुदा, ए चिलियन पोइट, एंड गार्सिया लोरका, ए स्पेनिश पोइट। अब देखिए कौन कौन से व्यक्तियों से ये अभिप्रेरित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। तो पहला नाम बर्टोल्ट ब्रेक्ट से, जो कि जर्मन पोएट थे। उसके बाद लियोन ट्रॉटस्की से, जो एक रशियन रिवॉल्यूशनरी रहे, पॉलिटिशियन रहे, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाले रहे, और सबसे ज़्यादा उनके जीवन में ट्रॉटस्की ही प्रभावित किए, और इन्हीं के प्रभाव में आकर पास साहब भी रिवॉल्यूशनरी कवि हो गए। उसके बाद मैक्सिम गॉर्की एक रशियन राइटर रहे, ओसो जो एक मिस्टिक रहे, गॉडमैन लाइक पर्सनालिटी था उनका, और इन्हें कभी कभी सेक्स गुरु भी कहा जाता है, तो ओसो से भी अभिप्रेरित थे। एंड हिज पोएट्री हैज़ बिन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ पाब्लो नेरुदा, ए चिलियन पोइट, एंड गार्सिया लोरका, स्पेनिश पोइट। अब इनके कविताएं, इनके मतलब पोएट्री, इनके पोएट्री कहें, इनके पोएट्री पाब्लो नेरुदा और गार्सिया लोरका के पोएट्री से कंपैरिजन किया जाता है। यानी इन दोनों पोइट्स के पोएट्री का कंपैरिजन पास साहब के पोएट्री से किया जाता है, ठीक है। पाब्लो नेरुदा एक चिली देश के पोएट रहे, इसलिए चिलियन पोएट हुए, और गार्सिया लोरका एक स्पेन से संबंध है इनका, तो यह एक स्पेनिश पोएट हुए। उसके बाद लास्ट जो मेरा है पॉइंट, द प्रेजेंट पोएम आई एम लाइक ग्रास, ट्रांसलेटेड फ्रॉम पंजाबी बाय सुरेश सेट्टी, ब्रीद इट ऑप्टिमिज्म। अब यह जो हम लोग चूंकि क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर पोएम आई एम लाइक ग्रास पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम यह पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट किया है।
8th, द प्रेजेंट पोम आई एम लाइक ग्रास, यह जो प्रेजेंट पोम जो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वह पंजाबी लैंग्वेज में एट फर्स्ट लिखा गया था और एट लास्ट सुरेश सेट्ठी ने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इस कविता में एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिए हैं पास साहब, ठीक है। तो ये था आपका पोएट से संबंधित कुछ रोचक जानकारियां और तथ्य। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब आई एम लाइक ग्रास पोम का अध्ययन करेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं, धन्यवाद। लेकिन एक बात और कि यदि इन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कहीं भी आपको कुछ डॉट लगें या आपके मन में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के जरिए हमें सूचित करें, मैं उसका निदान हर संभव करने का प्रयास करूँगा। तो फिर से आपको एक बार धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I could